नमस्कार भाई दोस्तों, आज एक किसान आगू पंजाब के जत्थेबंदी का उसका वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। आपने देख भी लिया होगा वो वीडियो। हम भी यही बात कहते थे, फसल और नस्ल की लड़ाई है, नहीं समझ में आई। इनको आप किसी भी मोर्चे में घुसा दो, वो मोर्चा बिकेगा। अब आपको ये देख लो, किसान आंदोलन के बाद कितने मोर्चे लगाने पड़ गए आपको। दुनिया भर के मोर्चे लगाए हैं, हरियाणा में भी लगे हैं, पंजाब में भी लगे हैं, उत्तर प्रदेश में भी लग रहे हैं, लग रहे होंगे मोर्चे। आपकी समझ में नहीं आई, बिल्कुल आपको क्लियर कट बताया था कि ये कोई लड़ाई नहीं। जिसके पीछे नेता शब्द लग गया ना, वो आपकी लड़ाई नहीं लड़ेगा। ये याद रखना, आप हमेशा कभी भी आपकी लड़ाई लड़ेगा ही नहीं। आपको बिल्कुल आराम से हर एक चीज़ खोल कर बताएंगे। अभी भी जब हरियाणा में एक आंदोलन चला था ना, वो नेताजी को कितने पैसे मिले एक बार पूछना जरूर, पूछना जरूर। और उस आंदोलन से कितने मिले ये भी एक बार पूछ लेना। एक दूसरे पर जब आरोप प्रत्यारोप कर रहे थे, जब भी बताया था कि इन्होंने गड़बड़ की है, पूरे किसान आंदोलन के साथ गड़बड़ की है, नहीं समझे लोग फिर झंडे उठा के पीछे पीछे चल देते हैं, पीछे पीछे चल देते हैं। आज दीप सिद्धू भाई की आत्मा क्या करी होगी, किसी ने सोचा है ये? जब दीप सिद्धू बोलता था कि भाई अपनी फसल और नस्ल की लड़ाई है, जाग जाओ जाग जाओ, ये लोग ऐसे करेंगे, तो उसको भी गद्दार घोषित कर दिया था। देशद्रोह का केस लगा हमारे ऊपर, कौन सा किसान आगू आ गया है भाई? किसान आंदोलन में ही लगा था, कौन से किसान नेता ने मदद की थी? कि किसी ने भी नहीं। अपना घर भरने से मतलब, ये कोई भी आंदोलन करते हैं, पैसे लेते हैं, घर में चले जाते हैं, घर चले जाते हैं ये, लेकिन तुम्हारी आंखें नहीं खुलेंगी, आंखें नहीं खुल रही तुम्हारी। अब ये तो पता नहीं उस किसान आगू को जो नेताजी बोल रहा है, वीडियो वायरल हो रहा है, उसको पैसे कम मिले हैं, या उसका जमीर जग गया है, या उसके साथ क्या हुआ है, ये तो भगवान ही जाने। लेकिन उसने कम से कम मुंह तो खोल लिया, लेकिन कितने दिनों बाद, एक साल से ज़्यादा का समय हो गया तब मुंह खोल लिया है। अभी जब औरों के मुंह खुलते जाएंगे ना, तब हकीकत आपके सामने आएगी, फिर रोओगे, तुम रोओगे सभी जो तुम इनको नेता बना रहे हो ना। ये नेता ऐसे करेंगे, ये नेता सिर्फ खाली अपना घर भरते हैं, चुनाव लड़ते हैं, चुनाव आने के बाद इनको बस संसद में भेज दो, फिर तुम्हारे को ये इस तरफ कर देंगे, हमारे को संसद में भेजो, हम फैसला करेंगे। कोई फैसला नहीं करेंगे, जैसे और नेता तुम्हारे स्वाद लेते हैं ना, ये भी ऐसे ही स्वाद लेंगे तुम्हारे। जो मुआली मोर्चा लगा हुआ है, किसान नेताओं को मत घुसने देना उसमें, आगू मत बनने देना उसमें। एक रिक्वेस्ट है नियंग सिंह को से, आप खुद ही अपने हाथ में कमांड रखना। अगर इनके हाथ में कमांड दे दी तो फिर ये ऐसे ही करेंगे, फिर ऐसे ही करेंगे। ये क्या सोच रहे हो भैया? दीप सिद्धू भाई की आत्मा कितनी, जब उसको पूरे देश में अपना गद्दार घोषित किया था, क्यों? क्योंकि वो इन नेताओं की पोल पट्टी उखाड़ने लगा था। मैं एक बार बोल रहा था किसान आंदोलन के दौरान, एक बार बोल रहा था इन नेताओं के बारे में, मैं ये धोखा करेंगे जनता के साथ। मेरे को ही पता है फिर मेरे साथ क्या बीतती थी, पता है मेरे को। एक बार जब जनता ने भी बोला था इनके बारे में, और बता दे कुछ, और बता दे कुछ, लेकिन फिर वही जनता फिर उनके झंडे उठा रही, फिर उनके झंडे उठा रही। मारा किसान नेता महान, ये घर भर गया अपना किसानों के नाम पर, मजदूरों के नाम पर अपना घर बना गया ये, लेकिन कभी किसी का वो किया इन्होंने फैसला किया। आज मेरे को पता है इनको फिर तकलीफ होगी, जब इनके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, इनको तकलीफ होती है। पहली बात तो आपको बिल्कुल प्रूफ के साथ दिखा देंगे एक चीज़। जो साथी नया जुड़ता है चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं, बेल आइकॉन, और वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है। आपको हर बार सच्चाई दिखाने की जिम्मेवारी हमारी है। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, पहले बताया था आपको हर चीज़ सच बताएंगे। अगर हमारे से भी गलती होगी ना तो बता देंगे हमारे से ये गलती हुई है। अभी जो मुआली मोर्चा लगा हुआ है, चढ़ती कला में है, सबको पता है, लेकिन उसी दिन गड़बड़ हो जाएगी जिस दिन किसान आगुओं को वहाँ पर क्यों नहीं जा रही है, क्यों नहीं जा रही पता है? क्योंकि इनको वहाँ पर अगवाई देंगे नहीं, इनको अगवाई दे दी अपना घर भर लेंगे। ये सच्चाई है, ये वो कड़वी सच्चाई है जो तुम्हारी समझ में नहीं आ रही। समझना पड़ेगा, अपनी आंखें खोलनी पड़ेंगी। ये किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर जो बार बार लूटते हैं ना, ऐसे पार्टियों वाले करते हैं, ऐसे किसान नेता करते हैं। तुम्हारे साथ भला कौन करता है भाई, ये बताना, भला किसने किया आज तक? किसी ने भी नहीं, किसी ने भी नहीं। अब वो खेमका साहब क्या कर रहे हैं? रोटी खवाई, लोकां ने ताना मारिया कि तुसी उन्हां दी रोटी भी क्यों खांदे जे? बोलिया था उसी टाइम पर। अगले दिन किसान साडी जिहड़े आगू सी ਉਹ ਰੋਟੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਲੰਗਰ ਮਗਰੋਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣਾ। ਯਾਦ ਆਇਆ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕੱਢ ਰਾਮਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਗੂ ਸੀ ਉਹ ਤੋਮਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਤੋਂ ਫੜ ਕੇ ਪੈਗ ਪੀ ਰਹੇ ਸੀ, ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਮੰਤਰੀ, ਤੇ ਆ ਕੇ ਵਡਿਆਈ ਨਾਲ ਦੱਸਦੇ ਸੀ ਕਿ ਭਾਈ ਤੋਮਰ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥੀ ਪੈਗ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਬੋਲੋ, ये तुम्हारा भला करेंगे? ये तुम्हारा भला करेंगे जो कृषि मंत्री तोमर के घर जाके दारू पी का रहे हैं, खाना खा का रहे हैं, वो तुम्हारा भला करेंगे?
जो तीन कानून रद्द करवाने के लिए, तीन काले कानून रद्द करवाने के लिए पूरी जनता रोड पर बैठी रही थी एक साल तक दिल्ली, वो तो फिर आगे वापिस, फिर वापिस आगे, अब क्या करोगे? फिर भरोसा करना इनके ऊपर, ये फिर तुम्हारे को ऐसा ही नजारा देंगे। मोहल्ली जो मोर्चा लगा हुआ है दोबारा फिर रिक्वेस्ट कर रहे हैं किसी किसान आगू को वहां पर चौधरी मत बना देना, नहीं तो वो बेच देगा उस मोर्चे को, बेच देगा उस मोर्चे को। सच्चाई है ये, किसी को बुरा लगे, हजार बार बुरा लगे, हजार बार लगने तो बुरा, पहले भी बताया था, ये कोई किसान नेता नहीं है, ये अपना घर भरने की सोचते हैं, फिर ये चंदा खाने की सोचते हैं। कुछ लोग होते हैं जो बकवास करने वाले होते हैं ना, तू बन जाए नेता, तू कर ले अगुवाई, इतना आसान नहीं होता, दो धारी तलवार पे चलना पड़ता है। अगर आप जनता का सही दिल से भला करोगे ना, तो आप अपना घर भर ही नहीं सकते, और भला आप कर नहीं सकते अगर आपके पीछे नेता शब्द लग गया तो, कर ही नहीं पाओगे। बहुत अच्छा चला हुआ मोहाली मोर्चा, नियंग सिंगों से फिर रिक्वेस्ट है, जो जत्थेदार नियंग सिंगों के, बढ़ने मत देना किसी नेता को। मोर्चा फतेह जब होगा, अगर इनको बांट दिया ना, दिखाएं तो जनता को ये मोर्चा फतेह हो गया, लेकिन वो भाई बाहर नहीं आएंगे, और आज तक यही तो होया है। यही भगवंत मान जो बंदी सिंह गिरी आई के लिए बोलता था, अब इसको क्या हो गया भाई, मुंह में दही जमगी क्या, ये बोल नहीं रहा बंदी सिंह के लिए, बोलना चाहिए इसको, मुख्यमंत्री है पंजाब का, हरियाणा वाले जा रहे हैं वहां पे, बहुत अच्छी बात है, जग रहे हैं हरियाणा वाले, जग रहे हैं। ये है अब वो समय आया, अकाल पुरख आपको बार बार रास्ता दिखा रहा है, पहले बताया था वो आंदोलन कुदरत ने चलाया था, लेकिन नेताओं ने उसको बेचा था, सच्चाई ये है, बिल्कुल सच है ये। कोई भी बोलता है, कोई भले के लिए बोलता ना, हमारे को पता है, जगदीप सिद्धू बोला था तो उसको गद्दार कराया था, हम बोले तो हमारे को खूब आते हैं गालियां देने वाले, जो नेताओं के भगत होते ना, अंधे भगत होते हैं ये किसान नेताओं के, ये गालियां खूब देते हैं, थोक के भाव में आपको गालियां मिलेंगी, लेकिन अपना रास्ता नहीं छोड़ना कभी भी, सच्चाई के मार्ग पर चलना, तकलीफ होगी, तकलीफ होगी सच्चाई के मार्ग पर चलोगे तो, लेकिन उस तकलीफ को सहन करना पड़ेगा। आज क्या बीत रही होगी दिलों पर ये सोच कर देखो, क्यों हमने दीप सिद्धू को खो दिया, तुम्हारी इन्हीं बकवासबाजियों के कारण खो दिया, तुम जो ये टांग खींचने वाले होते हैं ना, ये सबसे बड़ा कैंसर है इस देश में, जो इन नेताओं के अंधे भगत है ना, ये कैंसर है इस देश में, देश की बर्बादी का कारण है ये, देश की बर्बादी का कारण, इनसे बचो। कुछ नहीं होते ये झूठे कलकी मारने वाले, झंडा उठाने वाले, कहीं नहीं आते ये काम, जैसे दारू की बोतल मिलती है इनकी वोट वहीं जाती है, वहीं जाती है इनकी वोट, इन पर भरोसा करके आप लड़ाई लड़ोगे, लड़ाई लड़ने का अपना ढंग देखो, जैसे जीरा फैक्ट्री में मोर्चा लगाया था ना, वहां पर नेताओं को नहीं घुसने दिया, अगर नेता वहां घुस जाते उसमें भी राजीनामा होता। अब जैसे मोहाली मोर्चा लग गया, यहां घुसा दो तुम्हारे किसान नेताओं को, यहां पर भी मोर्चा बिकेगा, मोर्चा फतेह नहीं होगा, ये याद रखना, याद, जिसको बुरा लगता है कोई कुछ नहीं है, आ रहे हैं ये धीरे धीरे एक एक करके घुसने की कोशिश कर रहे हैं मोहाली मोर्चे में, आज बता रहा हूं, बाद में फिर रोओगे, पहले बता देते हैं फिर बाद में रोते हो आप लोग कि ये हो गया ऐसे हो गया, पहले ही बता रहे हैं मोहाली मोर्चे में किसान नेताओं को मत घुसने देना, कोई नेता नहीं है ये भी वही दलाल है, जैसे सत्ता के दलाल होते हैं ना, ये भी वही दलाल है, ऐसा ही करते हैं ये, सभी के लिए है ये, कोई कदे एक सोच जाए, सभी का यही हाल है, कोई सच्चे दिल से तुम्हारी लड़ाई नहीं लड़ेगा, ये याद रखना। ये पार्टियों से भी फंडिंग लेते हैं, नहीं लेते तो जाकर पूछ लो अपने किसान नेताओं से, वोट डलवाने के लिए फंडिंग लेते हैं पार्टियों वाले जो इनको बुलाते हैं, ये वो कड़वी सच्चाई है हमारे देश की, जो मजदूरों के नाम पर ना मैं ये बना रहा हूँ वो बना रहा हूँ, या अभी हरियाणा में भी चल रहा है, बेरोजगारों की आवाज़ उठा रहे हैं, कर रहे हैं, फिर चंदा मांग रहे, तुम्हारी आंखें कब खुलेंगी रे, कब खुलेंगी, किसान के नाम पर, मजदूर के नाम पर, जवान के नाम पर लोग चंदा मांग रहे हैं, तुम्हारे तब भी समझ में नहीं आ रहा ये चंदा क्यों मांग रहे हैं, कब समझ में आएगा, नहीं खुलनी तुम्हारी आंखें, लेकिन हम बोलते रहेंगे, लगातार बोलते रहेंगे, किसी की तो आंखें खुलेंगी, दो चार पांच दस तो बच जाएंगे, अपने पैसे को अपने पास जमा करके रखो, पैसा है तो सब कुछ है, इनको जितना इनका घर भरोगे ना, ये उतने ज्यादा लालची होते जाएंगे, एक बार इनको इनका आईना दिखा दो, आईना दिखा दो, एक भी नहीं आएगा कोई तुम्हारा नेता बनने के सोच जाए तो, लेकिन आईना दिखाएगी जनता, कब तुम्हारी आंखें खुलेंगी पता नहीं। पंजाब के लोगों से रिक्वेस्ट है, आप तो कम से कम आंखें खोल लो, अब तो आंखें खोल लो, ये बेवकूफियां करते करते बड़े बुजुर्ग करते आए थे, अब तुम कर रही हो, फिर तुम्हारे बच्चे भी ऐसे बेवकूफी करेंगे, दूसरों को नेता बनाएंगे, आंखें खोल लो, आंखें, नहीं बनाना किसी को नेता, हम अपने हक के लिए, अपने हकों के लिए लड़ना है तो खुद लड़ना है, किसी को नेता बनाने नहीं आए यहां पे, और आपको ना एक एक का बता देंगे, खुद डिटेल में बताना शुरू कर देंगे, और डिटेल में बताया भी है पहले, जाओ दीपक फौजी पेज सोशल मीडिया के ऊपर खूब डाले थे वीडियो, अभी भी है वो वीडियो, जो लोगों ने खूब बंद करवाने की कोशिश की थी, अब इस चैनल पर भी रिपोर्ट लगनी शुरू हो जाएगी, जब इनकी पोल पट्टी उखड़नी शुरू होगी ना, यहाँ पर भी रिपोर्ट लगाएंगे ये, लेकिन पोल पट्टी उखाड़ेंगे, सबकी उखाड़ेंगे, नहीं घुसने दिया जाएगा किसी को भी। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकॉन को जरूर दबाना, और नेताओं से बच जाना, इतना ही कह रहा हूँ, नेताओं से बच जाना, मोहाली मोर्चा फतेह होगा अगर नेताओं से बच गया तो, नेताओं से बच गया तो, बस इतना याद रखना,
जीतना है, दम है हमारे अंदर, लड़ सकते हैं, किसी नेता की जरूरत नहीं है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।